आपके साथ। लंबे समय से पुलिस को थी सीसीए में लिप्त अपराधी की तलाश, एसटीएफ व सीआईडी की टीम ने बीच सड़क पर पकड़ा। पूर्णिया के कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह के साथ दो अन्य अपराधी प्रशासन के हत्थे चढ़े हैं। पूर्णिया के मैक्सेवन अस्पताल रोड में सुबह तब अफरा तफरी मच गई जब क्रेटा गाड़ी का पीछा कर रही सादे लिबास में एसटीएफ और सीआईडी की टीम ने हवाई फायरिंग की और बिट्टू सिंह उर्फ निकेश सिंह के साथ दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मगर बिट्टू सिंह और उनके साथी को तब तक वहां से एसटीएफ अपनी कस्टडी में लेकर जा चुकी थी। सदर एसटीपीओ आनंद कुमार पांडे मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ भी स्पष्ट बताने से मना कर दिया। गोली चलने की ऐसी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन जो एसडीएन न्यूज के कैमरे में कैद हुआ वो सब चीज बयां कर रहा है। मौके पर पुलिस के जवान गोली के खोखे चुनते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि गिरफ्तारी के दरमियान गोली चली है और यही दावा उस सड़क से गुजरने वाले चश्मदीदों की भी है जिन्होंने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी वहां पर। क्या चीज मिला है भैया? ये बुलेट है, खोखा है। हवाई फायरिंग हुई है क्या यहाँ पर? अभी कोई फायरिंग वगैरह हुआ है क्या? अच्छा, पीछे से गाड़ी आ रहा था, गाड़ी था तो इस जगह ट्रक लगी हुई थी, ट्रक के कारण वो गाड़ी उस जगह जाम में फंस गई। तो लोग आराम से उतरे, सब पुलिस वाला जैसा लग रहा था देखने में। आसमानी फायरिंग कौन किया था, जो आगे में जिसको पीछा कर रहा था या फिर जो पुलिस टाइप के थे? जो पुलिस टाइप का था वो लोग फायरिंग, वो लोग इस पे फायरिंग किया था। क्या राउंड गोली चला था? मार कितने भाई का है? मारपीट करेंगे हमारा ऐसी है, बीमार है तो हम कहे तो डॉक्टर के यहाँ ले जाएं। डॉक्टर भी यहाँ बोले थे कि दिखा दें। जाइए बोल दीजिए जाने के लिए।